नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमेंट सर्विसेज चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 मेजर करियर रिलेटेड मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर बैठते हैं। मैंने इससे पहले भी करियर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आशा है आपने वो सारे टिप्स और वो सारे डिटेल्स देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के पेज में जाकर देख सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं ये पांचों करियर रिलेटेड मिस्टेक्स को एक एक करके। फर्स्ट मिस्टेक, लैकिंग करियर रिलेटेड अवेयरनेस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है करियर डेवलपमेंट क्या होता है। तो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो क्लास 7, 8 और 9 में हैं तभी उनको पता होना चाहिए कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी करियर पॉसिबिलिटीज होती हैं। सेकेंड मिस्टेक, डिले इन करियर प्लानिंग। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी करियर प्लानिंग सोचते हैं कि क्लास 12 के बाद करेंगे और यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। करियर की प्लानिंग क्लास 9 से ही शुरू हो जानी चाहिए। क्लास 9 में आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कौन कौन से करियर पाथ हैं और आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्किल्स और आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना जो करियर पाथ है वो क्लास 9 में ही सेट कर देना चाहिए। थर्ड मेजर मिस्टेक, करियर प्लानिंग विदाउट एनी बैकअप प्लान। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये या तो फौज, एनडीए या फिर टीचिंग की लाइन के लिए ही सोचते हैं। अगर वह फौज में, एनडीए में या फिर टीचिंग लाइन में नहीं निकल पाते हैं तो सभी के सब दिल्ली मुंबई की तरफ जाकर होटलों और फैक्ट्रियों का रुख कर बैठते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बैकअप प्लान जरूर मेंटेन करें। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियोज में डिफरेंट स्ट्रीम्स और हर सब्जेक्ट के लिए क्या क्या बैकअप प्लान हो सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, सारी डिटेल्स शेयर कर रखी हैं। अतः आप वो सारे करियर रिलेटेड वीडियोज देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और अपने आप के लिए कंफर्म कर सकते हो कि आपके लिए क्या क्या बैकअप प्लान पॉसिबल है। फोर्थ मिस्टेक, अंडर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स। जी हाँ, अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि BSc करना बहुत अच्छी बात है, BCom करना ओके है, लेकिन BA करना एकदम बेकार है। और यह बहुत ही गलत धारणा है। आप सभी लोगों का समझना है कि करियर ऑप्शंस सभी स्ट्रीम में इक्वली अवेलेबल हैं। चाहे आप BSc स्ट्रीम के हों, चाहे आप BCom स्ट्रीम के हों, चाहे आप BA स्ट्रीम के हों, या फिर आप कुछ भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, सभी जगह करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बस जरूरत है आपको करियर पाथ को समझने की और करियर पाथ को समझते हुए स्पेशलाइजेशन करने की ग्रेजुएशन के दौरान। तो इसीलिए किसी भी स्ट्रीम को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं तो इसी स्ट्रीम में चलते हुए करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने चाहिए। फिफ्थ मिस्टेक, रेस्ट्रिक्टिंग करियर ऑप्शंस विद इन उत्तराखंड बाउंड्रीज। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उत्तराखंड में ये सोचते हैं कि अगर क्लास 12 के बाद पढ़ना है तो या तो देहरादून या हल्द्वानी या फिर पंतनगर में जाके पढ़ा जाए, और यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि करियर को इंडिया लेवल में प्लान करो, क्योंकि हर स्ट्रीम, हर सब्जेक्ट के लिए इंडिया में कहीं ना कहीं जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप 10 कॉलेजेस हैं, उसमें जाकर अपना करियर बनाने का सोच रखो। जरूरी नहीं कि जो घर के सबसे नज़दीक है वहाँ जाकर पढ़ा जाए। अक्सर जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप देहरादून जाके या हल्द्वानी जाकर ही क्यों पढ़ते हो, तो सभी स्टूडेंट्स का एक ही जवाब होता है, घर से काफ़ी नज़दीक है। तो दोस्तों और बच्चों, अपने करियर को इतना लाइटली मत लीजिए। क्लास 11 और 12 में होते वक्त ही आप पता लगाइए कि बेस्ट कॉलेजेस और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप बेस्ट कॉलेज और बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने के लिए प्लान कीजिए। अक्सर यहाँ के स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर बेस्ट कॉलेज या बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, जबकि ये बहुत ही गलत है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप देहरादून या हल्द्वानी से इंजीनियरिंग करते हैं या फिर BCA करते हैं तो आपका पूरा BCA का इंजीनियरिंग का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक का आता है। वहीं अगर आप सेम इंजीनियरिंग या BCA का कोर्स अगर आप बेंगलोर या हैदराबाद से करते हैं तो वह कॉस्ट 90-95,000 के अंदर हो जाता है।
तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 50% कम में आप बेंगलुरु या हैदराबाद जाकर अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सिमिलरली जहाँ तक रहना खाने पीने का जो टोटल कॉस्ट है, जो बच्चे देहरादून या हल्द्वानी ऐसी जगहों में जाकर रहते हैं, इनका जो एवरेज कॉस्ट है मंथली वो 8,000 to 9,000 आता है, जबकि यही कॉस्ट इनका जब हैदराबाद या बेंगलुरु में जाते हैं तो वहाँ पर ये 6,000 से नीचे कम में हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टडी का कॉस्ट और रहने खाने पीने का टोटल कॉस्ट जबकि हैदराबाद बेंगलुरु जैसी शहरों में 50% कम में हो जाता है, लेकिन फिर भी जानकारी नहीं होने के कारण मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिर्फ देहरादून या फिर हल्द्वानी का ही रुक कर बैठे। अतः मेरा सभी स्टूडेंट्स सभी बच्चों से अपील है कि आप लोग अपनी करियर प्लानिंग को इतना इग्नोरेंटली मत लीजिए। अगर आपको बेंगलुरु या हैदराबाद में आकर कुछ करने का है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक बात आप सब लोग को समझना चाहिए, भले आप हल्द्वानी या देहरादून में रह के आप कुछ भी कोर्स कर लें, अल्टीमेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में है, इसीलिए सारे बच्चों को ज़्यादातर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद ऐसी सिटीज़ में ही जाना पड़ रहा है। तो क्यों ना पढ़ाई भी ऐसे एनवायरनमेंट से की जाए, ऐसी सिटी से की जाए जहाँ पर एजुकेशन का क्वालिटी भी हाईएस्ट हो और जहाँ पर कॉस्ट भी रीजनेबली अच्छा हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो 5 करियर रिलेटेड मिस्टेक्स हैं वो क्लियर होंगे और इनके रेजोल्यूशन पाथ भी क्लियर होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने करियर को सीरियसली लेंगे और एक ब्राइट फ्यूचर के लिए अग्रसर होंगे।